कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व सांसद बेगम नूर बानो मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुई, जहां उन्हें जमानत मिल गई है। बेगम नूर बानो पर वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का आरोप उस समय दर्ज किया गया था, जब वह मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुनाव लड़ी थी। इस मुकदमे की सुनवाई मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी द्वारा की जा रही है। अदालत में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किए गए थे। इसी संबंध में आज वह बेल कराने के लिए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुई। बेल बांड दाखिल करने के बाद अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है। अदालत से जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने जहां अदालत में हाजिर होने का कारण बताया, वहीं देश की मौजूदा राजनीतिक पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। उदाहरण दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिला है। उन्होंने अपील करी कि देश के नौजवान आगे आएं और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें। अपने बात छंच को जारी रखते हुए पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने आगे कहा, तो उसकी डेट पड़ती जा रही थी, तो अब इतने सालों में भी क्या मानती है कि सरकार बदलने से जो विपक्ष के लोग हैं उनको मुकदमों में फंसाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी एक मुकदमा लगाया गया है, क्या आपका मानना है? वो सुनने में आता है तो आता है, कुछ लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जाती हो रही कुछ लोगों के साथ, ये सुनने में आया है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं इसके बाद ज़्यादा नहीं जाता। अब आज आप कोर्ट में पेश हुई तो क्या जमानत मिल गई है आपको या फिर आगे की डेट क्या पड़ी? तो अपने वो पुराना एक 2014 का एक केस है, उससे रहा है मैंने। रामपुर के आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए कोर्ट का जो फैसला है वो उसको कोई क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, हम सबको मानना पड़ेगा। 9 आरोपियों में से 7 को बरी कर दिया गया है, सिर्फ 2 को ही जो है वो सजा दी गई। मतलब इसमें कुल 9 आरोपी थे, उसमें 7 को बरी कर दिया गया और इन 2 पे ही सजा हुई। ये तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप ये तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। अच्छा 2024 के लॉयर लोकसभा 2024 की बात करें तो क्या कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं? मेरा ख्याल से अगर जनता में जो बात चल रही है और जो परेशानियां आ रही हैं, तो काफ़ी हद तक लोगों की सोच ये है कि कांग्रेस को वापस आना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ रंग लाएगी? जी राहुल बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत उसके ख्याल बहुत अच्छे हैं, और जो मैं नौजवान लोगों को देखती हूँ तो मैं समझती हूँ ज़रूरी है उस बच्चे का आना ताकत में और कांग्रेस को फिर से वो लेके आए, और उसमें फ़ायदा इनका है, यूथ जो हमारा है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अब कॉलेज से निकल के जा रहे हैं, जो अब उनके रोज़गार का मसला आ रहा है, उसके लिए राहुल गांधी का आना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस की अभी भारत जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, इसके बारे में क्या कहना है? हाथ जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी बात है, हाथ तो वैसे भी जोड़ना चाहिए आपस में, अलहदगी करने वाले तो और हो शायद, लेकिन कांग्रेस में तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, क्या जनता से अपील करना चाहेंगी? मेरे ख्याल से जनता को ये जो नौजवान मेरे बच्चे। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय साजवा सोनी के अलावा अफजल साबरी, आजम अंसारी, मोहम्मद अब्बास, मुख्तार हुसैन एडवोकेट एवं जहीर आलम सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। का मामला था इनका 2014 में यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ी थी, उसी समय का मुकदमा था जी, उसी टाइम चल लिया था, अदालत ने तलब करा था, वहीं जमानत हो गई उनकी 25,000 रुपये के 2 जमानतियों के, उसमें चल के उनको छोड़ा गया। किन किन धाराओं में मुकदमा था? 188 में। अब जमानत मिल गई है? जमानत मिल गई। ये पहले ये मामला ठाकुर द्वारा की अदालत में था? नहीं, यहीं पे था, मुरादाबाद के शुरू से ही भगतपुर यहीं पर।